Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Academy Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, हम लोगों ने continuity and differentiability आज का कौन सा पार्ट होगा? पांचवा पार्ट. ठीक, पांचवा पार्ट हम लोगों ने लिमिट से स्टार्ट किया, उसके बाद continuity, उसके बाद concept of infinitive, indeterminate form या मीन इंग्लिश पॉइंट. आज थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लिमिट्स. थर्ड पार्ट में क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के गाइस जो बात होती है उसमें टाइप्स ऑफ लिमिट का जो है यह लगभग टाइप्स ऑफ लिमिट में यह 25% यूज होता है. कितना होता है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में टाइप्स ऑफ लिमिट के 25% यूज होता है. ठीक, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट. क्या देखेंगे? Types of limits. Types of limits. सीमाएं के प्रकार. Types of limit. यानी कि हम लोग कुछ सीमाएं के जो यानी कि limits का definition statement को देखे थे. तो वह क्या देखे थे? किसी भी function का limit किसी भी point पर एक finite number होगा तो उसको कहेंगे सीमाएं या limits कहेंगे. तो इसी तरह हम लोग को ये वो function ले लेते हैं. देखिए मान लीजिए, माना कि f of x और g of x कोई दो फंक्शन है. क्या है? दो फंक्शन है सन है एवं x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट पॉइंट है. ठीक, सपोज दैट हम लोग ने टाइप्स ऑफ लिमिट में यानी कि माना कि f of x और g of x कोई दो फंक्शन एवं x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट ले लिए सपोज दैट. और इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x. अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात किया जाए प्लस की एडिशन ऑफ लिमिट्स जिसमें कोई यानी कि टू अल्जेब्रिकल फॉर्म्स रहे या कोई भी फॉर्म रहे उसमें लिमिट्स की चर्चा किया जाए, ट्राइगोनोमेट्रिक रहे वह कोई भी फॉर्म आए तो उसमें लिमिट्स का चर्चा करेगा. पहले प्लस का यानी कि एडिशन फॉर्म, उसके बाद क्या आता है सब्सट्रैक्शन फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, उसके बाद स्केलर के साथ कोई यानी कि कोई फंक्शन है वो फंक्शन रहे, जनरल फंक्शन रहे कांस्टेंट टर्म के लिए. ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि कोई यानी कि हम लोग लिख कर लिए हैं f of x और g of x कोई दो फंक्शन है जिसका पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू a यानी कि कंसीडर कर लिया आप लोगों को समझने के लिए. ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x plus g of x यानी कि यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है f of x और g of x की जगह पर. ठीक, तो इसको लिमिट को बनाने का तरीका होता है इज इक्वल टू लिमिट x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x. सिर्फ सेपरेट टर्म जानते हैं जैसे लिमिट को इस f of x के साथ फिर प्लस तो प्लस g of x g of सिर्फ सेपरेट करते जाना है तो वह इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा. ठीक, तो देखिए दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं माइनस वाले प्रॉपर्टीज. ठीक, देखिए जस्ट इसका दूसरा प्रॉपर्टीज लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x या कोई दो फंक्शन इसका क्या करना है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना है लिमिट के फॉर्म में. डायरेक्ट अगर f of x और g of x घटा लेंगे तो वह गलत होगा. ठीक, तो देखिए तो ऐसे करके उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू सेपरेट कर दीजिए f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x यही क्या होगा इसका लिमिट्स का दूसरा प्रॉपर्टीज. ठीक, टाइप्स ऑफ लिमिट का देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा देखिए मल्टीप्लिकेशन. क्या आता है टाइप्स ऑफ लिमिट में इसका तीसरा प्रॉपर्टीज आता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x g of x यानी कि कोई दो फंक्शन
मल्टीप्लिकेशन हो और उसके साथ लिमिट, तो इस केस में भी इसी तरह करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक ऐसे कर सकते हैं सेपरेट, ठीक। इसी तरह आता है डिवीजन फॉर्म, तो डिवीजन फॉर्म जो होता है डिवाइडेड फॉर्म भी या डिवीजन फॉर्म वह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ठीक। इसको इस तरह कर सकते हैं सेपरेट, देखिए चौथा प्रॉपर्टी आता है लिमिट्स का, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x, इस तरह में तो लिमिट को जानते हैं सेपरेट तो कर लेंगे, लिमिट जैसे सबका करते आए हैं f ऑफ x सॉरी f ऑफ x बट a लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, लेकिन डिवीजन फॉर्म कहता है जो इसका हर का पार्ट है वह इनकी जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। नॉट इक्वल टू जीरो वो डिवीजन फॉर्म का यह रोल होता है, हर को जीरो कभी नहीं होने देंगे। जीरो होने के लिए उसका आगे प्रॉपर्टी जो बताएंगे वो हेल ऑफ्टर रूल आता है, कैसे होता है, ठीक। तो देखिए इसको याद रखना, ठीक। देखिए पांचवा फॉर्म है इसका स्केलर के बाद के स्केलर ऑफ प्रोडक्ट लिमिट्स कहिए उसको, ठीक यह भी कर सकते हैं। देखिए पांचवा फॉर्म आता है लिमिट x टेंड्स टू a k इनटू f ऑफ x, सपोज दैट कोई फंक्शन एक ही फंक्शन है या टू फंक्शन भी रह सकता है, ठीक। इस केस में कोई k है तो इसका लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को जस्ट बाहर कर दीजिए, लिमिट जो है वो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक। जहां यानी वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, अच्छा ठीक, जहां k इज इक्वल टू कांस्टेंट या वेयर, ठीक। तो आप लोगों ने लिमिट्स को फॉर्म को समझे, ठीक। तो क्या होता है, माना कि f(x) और g(x) कोई दो फंक्शन लेना है एवं x इज इक्वल टू a कोई फंक्शन दिया रहेगा एक पॉइंट पर, तो उसका लिमिट निकालने के लिए पांच फॉर्म को देखें, क्या देखें, फाइव फॉर्म्स देखें। जैसे देखिए एक नोट्स में आता है पूछा जाता है आप लोग की तरफ से मन में एक क्वेश्चन उठ रही होगी, जैसे यदि कोई लिमिट, यदि किसी फंक्शन का लिमिट, जैसे नॉट फर्स्ट फर्स्ट करके लिखिए, यदि कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x लिमिट्स के साथ लिखी जाए, जैसे यदि कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अभी दो लिमिट का बात की बस वही लिमिट से चलना, ठीक। तो आप लोग को समझ जाए, यदि कोई फंक्शन f लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और g ऑफ x प्राप्त हो तो क्या हो, प्राप्त हो तो यह जरूरी नहीं है, जरूरी या कोई जरूरी नहीं है कि, कोई जरूरी नहीं है कि f of x और g of x भी प्राप्त हो, तो जैसे हम लोगों ने लिखा, क्या लिखे नोट्स में पॉइंट, यह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम एप्लीकेशन कराएंगे तो जरूर समझ जाएगा। यदि कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f of x plus g of x प्राप्त हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि f of x और g of x भी प्राप्त होगा, यानी कि समझने के लिए लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a f of x,
लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x ही प्राप्त हो सकता है, नहीं यह जरूरी हो ही नहीं सकता। क्यों? देखिए वह यानी कि देखिए लिमिट्स का जो होता है डिफिनेशन से पता चलता है, यदि किसी फंक्शन का लिमिट एक फाइनाइट नंबर हो तो वह लिमिट क्या कहलाएगा, सीमाएं लिमिट्स कहलाता है। यदि किसी फंक्शन का लिमिट एक फाइनाइट नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर इक्वल कर लीजिए एल से इक्वल, ठीक कोई फंक्शन तो वह फाइनाइट यानी कि लिमिट्स का कोई वैल्यू आएगा वह एक क्या रहना चाहिए, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर आएगा तो जब ये वह लिमिट्स का प्रॉपर्टीज भी वह राइट होगा और लिमिट्स को मानना भी सही होगा, ठीक। यानी कि इसीलिए हम लोग एक नोट्स लिखा है, यदि कोई फंक्शन का लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x g ऑफ x प्राप्त हो तो यह जरूरी या कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x भी प्राप्त हो, ठीक। तो जब एक लिमिट प्राप्त कर लेंगे तो इसके अलग अलग पार्ट को डिवाइड करेंगे, क्या वो फाइनाइट नंबर आएगा, नहीं आएगा। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, जस्ट यह रिजल्ट कर लिया हम देखिए, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं इसी पर, एडिशन टर्म लिए या मल्टीप्लीकेशन टर्म भी रह सकता है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्राप्त हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स जी ऑफ एक्स भी प्राप्त हो, ठीक। तो देखिए इस केस में हम लोग देखें तो देखिए इस केस के लिए एक एग्जांपल लिखिए, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन g of x is equal to 1 by x, ठीक। इस केस में लिए और क्या करेंगे, और x is equal to a कोई फंक्शन ले लीजिए, x is equal to a 0 ले लीजिए 0, ठीक। इस केस में सिर्फ देखिए फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे, लिमिट x tends to 0 लिए, f of x का वैल्यू रखेंगे और g of x का सॉरी लाइन करके देखिए बीच में एक आध दो सेकंड के लिए लाइन कट गई है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक यही समझा रहे हैं, ठीक। देखिए फिर लाइन डिस्टर्ब, तो हाँ गाइस आप लोग को फिर से हम लोग आए तो लाइन कट गई थी जिसमें एक मिनट का धोखा चला गया होगा, तो आप लोग वेट कर लिए, ठीक। तो यह ऑटोमेटिक चीज, ठीक, जब कोई बारिश की संभावना चल रही है तो आप लोग जान के रहे, जिस कारण से लाइन बीच में डिस्टर्ब हो गया, उसमें वीडियो हम लोग पॉज कर दिए थे। देखिए यही क्वेश्चन देख रहे थे, कह रहे थे यदि कोई फंक्शन का लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x या माइनस g ऑफ x प्राप्त हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि f ऑफ x और g ऑफ x भी प्राप्त हो, ठीक। तो देखिए उस केस में इस केस में नाउ जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यानी कि प्लस वाले फॉर्म पहले लीजिए f ऑफ x प्लस g ऑफ x, फिर प्लस करेंगे 1 बाय x प्लस 1 प्लस 1 बाय x, ठीक। इस केस में क्या रहेगा वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 उसके बाद 1 इसका क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या बोले थे ऊपर में 1 प्लस x प्लस यानी कि 1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस फॉर्म के लिए क्या आ गया, जखन ये नीचे क्या बोले थे 0 रखेंगे, इस केस में यह क्या होगा, प्रोवाइडेड यानी कि 0 ले रहा है, क्या ले रहा है 0, यह नहीं होगा। देखिए कब इस दो केस के लिए आप लोग का यह बहुत ही फाइनाइट के लिए होता है, माइनस फॉर्म के लिए, देखिए f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक, f of x minus g of, यदि कोई फंक्शन का, कोई लोग पूछ सकते थे यह क्वेश्चन, इसलिए हम लोग ने यह समझाया, यदि कोई फंक्शन का लिमिट x tends to a f of x minus g of x प्राप्त हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट x tends to f of x और लिमिट x tends to a g
जी ऑफ एक्स ही प्राप्त हो। ठीक, तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू क्या जीरो लिए, एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स जी ऑफ एक्स, देखिए इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या है वन, यानी कि क्या देगा वन, वन क्या है एक फाइनाइट नंबर, क्या दर्शाता है एक फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है एक फाइनाइट नंबर को दर्शाता है। ठीक, तो यह लिमिट सत्य है, क्या किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी भी पॉइंट पर एक फाइनाइट नंबर होगा तो वह सीमाएं या लिमिट्स कहलाएगा। ठीक, तो यह समझ लें, तो देखिए यहाँ इस फॉर्म को देखने के लिए यह राइट आंसर यहाँ तक निकाल सकते हैं इसे, अगर आप लोग क्या बोले एफ लिमिट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्राप्त करना जरूरी नहीं है। देखिए उस केस में कैसे जरूरी क्यों नहीं है, देखिए अगेन यहाँ तक देखिए आप लोग उस केस में भी समझा देते हैं, अगेन अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो लेंगे, एफ ऑफ एक्स पढ़ा है पहले एफ ऑफ एक्स निकालिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है वन बाय एक्स प्लस वन, देखिए वैल्यू रख के देखिए वन बाय जीरो प्लस वन, वन बाय जीरो यानी जीरो में वन से भाग देंगे तो अनडिफाइंड प्लस वन, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी प्लस वन यानी वही फॉर्म आएगा अनडिफाइंड का फॉर्म आता है। ठीक, कोई नहीं, यह क्या होगा नॉट फाइनाइट नंबर, नॉट फाइनाइट नंबर, यह कोई फाइनाइट नंबर नहीं यानी कि लिमिट्स को भी नहीं दर्शाएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज देखिए जी ऑफ एक्स निकालना चाहिए जस्ट यहाँ लिखिए बाय एग्जांपल से जस्ट समझिए, जी ऑफ एक्स लीजिए जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाय एक्स क्या रखेंगे वन बाय जीरो यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म आया नॉट फाइन नॉट फाइनाइट यदि कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन f ऑफ लिमिट लिखे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x प्राप्त हो तो यह जरूरी नहीं है कि f ऑफ x और g ऑफ x भी प्राप्त हो प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि यदि कोई फंक्शन का दो मल्टीप्लीकेशन है या वह यह कोई जरूरी नहीं है कि f ऑफ x और g ऑफ x भी प्राप्त होगा। ठीक, देखिए कैसे एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए सब तो थ्योरेटिकल वाला है बात, लेकिन क्वेश्चन आने में कुछ तो कहेगा कि थ्योरेटिकल वाला बात, लेकिन यही तक का समझ लीजिएगा तो बड़ा बढ़िया। देखिए एग्जांपल है लेट x f ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू, ठीक f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू, g ऑफ x इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस टू और x इज इक्वल टू दो ले लीजिए, क्या लीजिए दो, तो हम लोग ने लिमिट की बात किया कौन सा लिमिट मल्टीप्लीकेशन लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x रहेगा इस केस में तो प्राप्त हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि f ऑफ x और g ऑफ x भी प्राप्त होगा। ठीक, देखिए तो नाउ लिमिट x टेंस टू क्या दो कह रहा है f ऑफ x इंटू g ऑफ x f ऑफ x के ऊपर दो माइनस इंटू
क्या दिया है फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, वन एक क्या दर्शाता है फाइनाइट नंबर को दर्शाता है। ठीक, ऐसा सब आप लोग को बुक में एग्जाम पर कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, बुक्स में नहीं, बुक में तो छोड़िए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन को दर्शाया जाता है बाय ऑब्जेक्टिव टर्म, लेकिन उसमें थ्योरी लिखा रहता है, यही थ्योरी जो लिखे हैं आप लोग को लगेगा बकवास, लेकिन जब एक लाइन याद रखिएगा तो समय तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक, तो देखिए और देखिए जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कैसे नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने लेट किया एफ ऑफ एक्स मिटा दिए एक्स माइनस टू और जी ऑफ एक्स वन बाय एक्स माइनस टू। ठीक, उस केस में तो फाइनाइट हो गया इस केस में, और कह रहा है अगेन क्यों नहीं चर्चा कर लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, देखिए फाइनाइट आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स इज इक्वल टू दो लिए थे तो यहाँ पर दो, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, देखिए दो में से दो को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, दो में से दो को घटाए एक जीरो, यानी कि जीरो आ गया, देखिए अब ये फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, तो देखिए देखिए फाइनाइट नंबर को दर्शाता है जी ऑफ एक्स, देखिए यही तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू टू जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू जी ऑफ एक्स क्या है वन बाय एक्स माइनस टू, तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू बाय टू माइनस टू जीरो, वन बाय जीरो यानी कि अनडिफाइंड, क्या यह क्या फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, नहीं, लेकिन जीरो एक फाइनाइट नंबर को दर्शाएगा। ठीक, क्योंकि यह एग्जैक्टली भी होगा टेंस भी कर सकता है। ठीक, इसलिए यह एक फाइनाइट नंबर को दर्शाएगा एफ ऑफ एक्स एक फाइनाइट नंबर को, लेकिन जी ऑफ एक्स दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, तो यह मानना है क्या एक प्रूव्ड होगा एक प्रूव्ड नहीं, तो क्यों प्राप्त करना मानने के जरूरी है नहीं ना। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह देख सकते हैं आप लोग, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में आप लोगों ने क्या देखा टाइप्स ऑफ लिमिट, सीमाएं के प्रकार, सीमाएं के प्रकार, इसके चार फॉर्म को याद रखना है, पांच फॉर्म को देखिए, फर्स्ट में लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। दूसरा फॉर्म होता है देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सेपरेट कर देना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। एक तीसरा प्रॉपर्टीज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, तो सेपरेट इसमें भी कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद इसके डिवीजन टर्म को देखें, फोर्थ पार्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बट्टा जी ऑफ एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बट्टे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ तक। और पांचवा होता है स्केलर टर्म, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तब के लिए क्या करेंगे, देखिए पांचवा यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के इनटू एफ ऑफ एक्स रहेगा तो उसके लिए के बाहर निकल लेंगे कांस्टेंट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद दो नोट्स बताए, वह नोट्स था यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या माइनस टर्म रहे तो यह प्राप्त हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी प्राप्त होगा, इसका एप्लीकेशन भी आप लोग को करा दिए। उसके बाद दूसरा नॉर्म्स लिखा है यदि कोई फंक्शन लिमिट
x tends to a f of x into g of x प्राप्त हो, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि f of x और g of x भी प्राप्त हो। ठीक, तो अगर यहाँ तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो से जरूर मिलेंगे फिर।